इस देश का मौसम। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम के बारे में। क्या अपडेट है चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबाएं जिससे अपडेट रहें आप देश की सभी मौसमी खबरों से अपडेट। तो किस प्रकार से वर्तमान में मौसमी सिस्टम बना हुआ है सबसे पहले जान लेते हैं। मानसून ट्रफ बीकानेर आगर सुल्तानपुर घटना बालूरघाट से होते हुए पूर्व की ओर नागालैंड की ओर जा रही है और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और इस चक्रवाती परिसंचरण से ट्रफ रेखा मध्य प्रदेश और विदर्भ के पश्चिम भागों पर तेलंगाना तक फैली हुई है और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर श्रीलंका तट के आसपास बना हुआ है। बात करें अगले 24 घंटों के मौसम की और दोस्तों इस मौसमी सिस्टम के कारण किस प्रकार से जो है देश का मौसम रहने वाला है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों इस मौसमी सिस्टम के कारण अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तलहटी, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, शेष उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल और तमिलनाडु में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हल्की बारिश संभव है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आने वाले 24 घंटों का मौसम है। वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, वो रह सके देश के सभी मौसमी खबरों से अपडेट।